तरनतारन में पंजाब नेशनल बैंक की लूट में चार हथियारबंद लुटेरे 6,63,945 रुपए की लूट कर फरार हो गए थे। तरनतारन के एसएसपी दर्शन सिंह मान ने बताया कि तभी से पुलिस इस वारदात को हल करने में जुटी हुई थी और आज इस वारदात के मुख्य आरोपी रशपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे लूट के 1,00,000 रुपए, एक पिस्तौल, 315 बोर, 3 जिंदा कारतूस व 300 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है। पुलिस के अनुसार अभी उसके 3 साथी फरार हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। बंदे सी इन्हां चो एक बलजिंदर सिंह डिप्टी है जिहड़ा कि 23 केसां च वांटड है ते हॉस्पिटल चो भज्या होया हो पुलिस दी स्टडी चो अमृतसर तो ओह सी। दूजा इहनां च बाबा रशपाल सी नरंगाबाद दा जिहदे ते 4 परचे दर्ज ने। एक तीजा सी निशान सिंह मलमोरी दा, इह थाणा सदर तारण दा पिंड है, इहदे इह भी दो मुकदमे च वांटड सी। चौथा हैगा जगतार सिंह, इह भागोवाल बटाले जिले दा हैगा सी, इहदे खिलाफ 5 मुकदमे दर्ज ने। एक इन्हों का जिहड़ा बलजिंदर डिप्टी हैगा इहदा रैलेटिव हैगा फतेह सिंह यूपी तो, वह 5 बंदयां ने इन्होंने डकैती नूं अंजाम दिता सी। इन्हां चों सी रशपाल सिंह बाबा ते उहदी वाइफ नूं अरैसट कर लिया, उहदे तों 1,00,000 रुपया डकैती का मिल गया, जिन्हें इन्हां ने उस कपड़े यूज किए सी उह मिल गए, क्योंकि वीडियो सीसीटीवी फुटेज आई हुई है वह बिल्कुल मैच करते हैं। इस तों इलावा 1,00,000 रुपया इन्हां तों रिकवर होया, 300 ग्राम हैरन रशपाल सिंह बाबा तो असीं रिकवर कर चुके हैं। बाकी जिहड़े 4 मुरजम रहिंदे ने ਉਹ ਨੋਮੀਨੇਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਫੋਟੋ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਸੇ ਜਾਗਰਤੀ ਲਹਿਰ ਕੇ ਲੀਏ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ।